क्या दोस्तों, आपको भी अपील वीडियो बनाना है तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको अपील वीडियो बनाने का वो तरीका बताऊंगा जो कि YouTube ने खुद बताया है। तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? तो मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपील वीडियो कैसे बनाना चाहिए, अपील वीडियो बनाने का सही तरीका क्या है, अपील वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी अपील वीडियो बनाना है ना यूट्यूब के लिए, तो भाई ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखना, जरा सा भी स्किप मत करना, वरना भाई आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहे। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिख के जाओ, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मैं स्टेटस लगाते रहता हूँ, अपडेट देते रहता हूँ आप लोगों को कुछ कुछ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई वहाँ पे मुझे आप DM भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बस दोस्तों, और क्या दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले एक डाउट है जो कि बहुत लोगों का होता है जो भी अपील वीडियो बनाते हैं, और वो डाउट ये है कि क्या हम अपील वीडियो बस फेस के ही बना सकते हैं, मतलब कि खुद को दिखाकर? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मर्जी, आप अपील वीडियो फेस कैम भी बना सकते हैं अपना फेस दिखाकर, या फिर वॉइस ओवर करके भी वीडियो बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर आप फेस कैम वीडियो बना के अपील करेंगे तभी यूट्यूब आपको अपील एक्सेप्ट करेगा, आप वहाँ पे वॉइस ओवर करके भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बात का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी आप अपील वीडियो बनाएंगे, कि आपका जो अपील वीडियो होगा वो कभी भी 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 मिनट से कम ही बनाना है, जितना कम कर सकते हैं 5 मिनट से कम, उससे बड़ा आपको वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि यूट्यूब ये खुद कहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो अपील वीडियो बनाएंगे वो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा या फिर बंगाली में होगा, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, आपको क्या करना होगा, उस वीडियो में सब टाइटल डालना होगा। सब टाइटल मतलब दोस्तों, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आपने ऐसा बहुत सारा वीडियो देखा होगा जो मान लीजिए हिंदी में रहता है लेकिन उसका सब टाइटल मतलब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे लिखते हैं, ठीक है? या फिर अगर किसी भी लैंग्वेज में मतलब बंगाली में रहता है तो उसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं, या फिर किसी और लैंग्वेज में, तो आपको वो यूज़ करना है। आपका वीडियो किसी भी लैंग्वेज में हो, अपील वाला वीडियो, आपको उस वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप जो भी अपील वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपके चैनल का URL होना चाहिए। हाँ दोस्तों, मतलब कि आपकी वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए। आप अपनी वीडियो में यहाँ पे सामने, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ना, यहीं पे आपको अपने चैनल का URL डालना होगा वीडियो में, और दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वो URL उस वीडियो में होना चाहिए। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अपील वीडियो बनाएंगे तो भाई अपील वीडियो में क्या बोलना है आपको, ये सबसे जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, YouTube की तरफ से जो भी ईमेल आया होगा सबसे पहले आपको उसे पढ़ना है। मान लीजिए उसमें YouTube ने कहा है कि आपका चैनल एडसेंस कंटेंट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, उसके दिशा निर्देश का पालन नहीं करता। लेकिन दोस्तों, आपके चैनल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका चैनल एडसेंस कंटेंट गाइडलाइंस को फॉलो करता है, उसके जितने भी दिशा निर्देश है सबको फॉलो करता है। तो आपको अपनी अपील वीडियो में ये सब बताना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा चैनल एडसेंस कंटेंट गाइडलाइंस को फॉलो करता है, उसके जितने भी दिशा निर्देश हैं सबको फॉलो करता है। मतलब कि YouTube की तरफ से जो ईमेल आया हो उसमें उसने जो भी बताया हो कि आपका चैनल ये फॉलो नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता, तो आपको उसी के बारे में बताना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा चैनल इसे फॉलो करता है। उसके बाद दोस्तों, उस वीडियो में आपको अपने चैनल के बारे में बताना है, अपने चैनल के बारे में पूरी जानकारी, आप अपने चैनल पे कौन सी वीडियो बनाते हैं, लोग क्या सिखाते हैं, आप अपनी वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, आपको वहाँ पे अपने चैनल के बारे में पूरा डिटेल बताना होगा उस वीडियो में। उसके बाद जाके तैयार होगा आपका अपील वीडियो। और दोस्तों, जब आप अपना अपील वीडियो एडिट करेंगे तो आपको उसमें कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं करना, ठीक है? उसके बाद आपको उस वीडियो से YouTube को अपील करना है। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आपको अपील कैसे करना चाहिए, अपील करने का सही तरीका क्या है, तो भाई उसके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बस दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपको अपील वीडियो कैसे बनाना चाहिए, अपील वीडियो बनाने का सही तरीका क्या है, जो कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो बस आज के वीडियो में यही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा उस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भाई वो भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में यही था, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।